Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश में और हमारे पीछे ये बस है, आप देख सकते हैं, और ये पब्लिक देख सकते हैं। ये सब लोग ये बिहार से आए हुए हैं और ये सब काम के तलाश में अब गांव से निकल चुके हैं। काम की तलाश में कोई इसमें दिल्ली जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई अमृतसर जा रहा है, हर ये स्टेट में बटेंगे जाके। और ये प्रवासी भारतीय जैसे हैं ये अब इनको सताने लगा है। अब कोरोना तो ख़त्म हो रहा धीरे धीरे, अब इनको पेट के लिए सता रहा कि उनके खाना कैसे होगा। आइए मैं इन लोगों से बात करूंगा कि क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? सुंदेश्वर राम। सुंदेश्वर राम जी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो पहले? हम सीतामढ़ी जिला से आ रहे हैं। सीतामढ़ी से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो? लुधियाना जा रहे हैं जी। लुधियाना जा रहे हो जी? लुधियाना आप जाके क्या करोगे? लोहा कंपनी में काम करते हैं। अच्छा जी, माधो में। अच्छा, लोहा कंपनी में जी। तो कोरोना के वजह से आप गांव चले गए थे? हाँ जी, पहले चले गए थे, अब का ख़त्म हुआ है, इसलिए करके अभी जा रहे हैं काम करने। अच्छा जी, तो वहाँ से बुला लिया आपको? बुलाया गया है, तभी जा रहे हैं जी। अच्छा, तो और भी देखिए, मैं बात करने का कोशिश करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? राम विनय सहनी। राम विनय जी, कहाँ से आए आप? भूथी से हम आए। भूथी कहाँ जा रहे हो आप? हम हरियाणा जा रहे थे। हरियाणा? हाँ हाँ। क्या करने? वो काम करने जा रहे थे, जेरी लगाने। अच्छा, काम की तलाश में जा रहे हो? जी जी, जो काम करने जा रहे थे। इसमें तो देखो, दो बस की सवारी थी, इसमें दो बस में बैठाया था। जब थोड़ा आगे हुआ, 200 किलोमीटर बढ़ाकर गाड़ी चेंज कर दिया गया, दोनों बस के आदमी को एक बस में कर दिया। तो आप बिहार में नौकरी नहीं मिला इसलिए हरियाणा जा रहे हो? जी जी, बिहार में नौकरी कहाँ मिलता है, क्या करेगा बिहार में रह के, भूखा मर जाएगा। जी सर। कितना पढ़ाई की हो आप? हम लोग पढ़ाई ज़्यादा नहीं, पंचवा तक किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। चलिए, क्या नाम है आपका? हरिकिशोर राम। अच्छा हरिकिशोर राम जी, बताइए आप कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं, हम लुधियाने के लिए जा रहे थे सर। अच्छा, लुधियाना काम की तलाश में। बिहार में जब से लॉकडाउन लगा है कोई काम नहीं है, तो खाली बैठ करके कहाँ से अपने पेट पालेंगे या बच्चे को खिलाएंगे, इसलिए मैं काम के लिए लुधियाना जा रहा हूँ सर। यही बात है सर। लुधियाना जाके आप कितना पैसा कमा लेते हैं? अभी तो कोई काम किए ना, पहली बार जा रहे हैं लुधियाना में। अब जितने मिल जाए, 10,000-5,000 खा पी के अगर बच जाए तो अपने पेट भी पालने, बच्चे को भी खिलाने हैं सर, इसलिए लुधियाना जा रहा हूँ। तो लुधियाना आप जा रहे हैं? हाँ जी। आप कितना पढ़ाई किए थे? सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल, 8वां पास हूँ, पढ़ाई कर नहीं पाया। 8वीं पास तो हैं कम से कम। हाँ जी ठीक है, कुछ तो पढ़े हैं। और मैं बात करने का कोशिश करूँगा। हाँ आप बताओ, क्या नाम है आपका? सुजीत। कहाँ जा रहे हो आप? हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा? हाँ। क्या करने जा रहे हो हरियाणा? जीरी लगाने जा रहा हूँ। काम के तलाश में? हाँ, काम के तलाश में। अच्छा, काम के तलाश में। बिहार में काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला। आप बिहार सरकार से पूछो ये कि काम दो हमें। नहीं पूछा। आप पूछे बिहार सरकार से? क्या नाम है आपका? मुकेश भगत जी, बताइए बिहार सरकार से पूछे कि काम दो हमें। नहीं सर, हम लोग जहाँ कमाते हैं वहीं पे जाते हैं। बिहार सरकार जब इतना सुविधा कर दे तो हम लोग उससे पूछने जाते हैं, अपना सुविधा कर दे तो हम लोग बाहर क्यों जाते हैं? नहीं सुविधा है, इसलिए बार बार हम लोग भटक के कमाते हैं। जब अपने ही जिला में हर काम का सुविधा हो जाए तो दूसरे जिला में जाना ज़रूरी है? अपना जिला में सुविधा नहीं है, इसलिए बाहर जिला में जा कर कमाते हैं। बाहर जिला में जा कर कमाते हैं? हाँ जी। तो बीवी बच्चे को आप गाँव में पहले छोड़ते हैं? गाँव में ही रखते हैं और फिर अपने जाते हैं कमाने जाते हैं वहाँ। आपको एक बात बताइए, वहाँ रेगुलर काम मिलता है? वहाँ पे सर काम करने वाला की कमी है, काम का कोई कमी नहीं रहता है। अच्छा, रातों दिन कमाइए, रातों दिन ही काम मिलता है। मिलता है? हाँ, काम करने वाला ही कमी है, काम का कोई कमी नहीं है वहाँ। पैसा कितना मिलता है काम के बदले? पैसे तो वहाँ सर जैसा काम है उसका, जैसा रोज है वैसा ही उस हिसाब से आदमी का मिलता है। मिल जाता है? हाँ जी। पेट पलने लायक मिल जाता है? हाँ जी मिल जाता है। आपका क्या नाम है? आप
क्या नाम आपका? हमारा उमेश सर। उमेश, हाँ जी। कहाँ जा रहे हो आप? सर लुधियाना जा रहा हूँ। लुधियाना, हाँ जी। काम के तलाश में? काम के तलाश में जा रहा हूँ, सिलाई करते हैं। सिलाई के काम करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, कोई सिलाई करता है, कोई इसमें मिट्टी का काम करता है, कोई लोहे का काम, फैक्ट्री का काम करता है। मतलब एक तरह से प्रवासी भारतीय हम इनको बोलेंगे। ये अपने स्टेट में काम नहीं मिलने के कारण कोई यूपी से दिल्ली जा रहा है, और ये सब जितने लोग हैं सब बिहार से, बस बिहार से आ रही है, सारे आ रही है ना, भूती से जी, सीतामढ़ी जिला भूती से। ये कितने लोग होंगे जो आप जा रहे हैं कमाने? तकरीबन 120 सर। इसमें 120 आदमी है, दो आदमी के सीट पर तीन आदमी बैठाया गया है। इसको प्राइज जो लिया गया है 2,000, 2,500, 1,500। जैसे आदमी फंस गया वैसे पैसा लिया गया है। इसको प्राइज है मतलब 900 रुपया, और सब आदमी से लिया गया है 2,500, 2,000, 2,200, 1,700, 1,650। मतलब एक तो आप काम के तलाश में जा रहे हैं और ज्यादा पैसा पे करके जा रहे हैं। हाँ सर, ज्यादा पैसा। इसको कारण से जो हुआ है, मुजफ्फरपुर लाइन होटल जिस पर बैठाया गया है दो आदमी का, चलिए सीट देखिएगा आप, दो आदमी का सीट है, उस पर तीन तीन आदमी बैठा रहा था। कोरोना से भी नहीं डर रहा? नहीं, उसको बोल रहे थे अंधा आदमी आएगा जो भी बोलेगा, तो यहाँ के दो आदमी का सीट है, उस पर बैठा रहा तीन आदमी का। इसके बोलने कारण इसमें के आदमी के कपार भी फाड़ दिया है। उसको अभी पीछे वाले लाइन होटल पर रुके हैं तो 8 टका लगा है, और उसको जो मारा है वो इसमें का ड्राइवर खलास से नहीं मारा है, लाइन होटल, भवानी लाइन होटल था, भवानी लाइन होटल मुजफ्फरपुर में वो मारा है। वो भी बात कर लेंगे, अब देखते हैं। और तो एक बात बताओ, जी फाइनल है जी, बिहार में कोई रोजगार नहीं है? जी नहीं है, जी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है सर, कोई रोजगार बिहार में नहीं है। अब भी देखिए कोरोना का टाइम है, हम लोग का बाल बच्चा भूखे मरता है, और देखिए इतना दुख काट के मार खा के जा रहे हैं पंजाब धान रोपने, पूरा दिन कादों में मरेंगे, तब जाके वहाँ से कमा के आएंगे तो हम लोग का बीवी बाल बच्चा खाएगा। कोई रोजगार हम लोग का जो है नीतीश सरकार है, कोई रोजगार बिहार में नहीं दिया है। जहाँ तक है सो मैट्रिक BA सब जो पढ़ के धाने रोप रहा है या माथा पर टोकरी ढो रहा है, कोई नहीं मिल रहा है हम लोग का बिहार में नौकरी, न रोजगार है, और नहीं रोजगार भी मिल रहा है। तो आप देख लिए, और ये कितने लोग गुस्से में है, 120 आदमी बाहर बाहर स्टेट में जाके एक खेत में धान रोपते हैं, और कोई हर तरह से वहाँ पे अपनी मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूँ मदन लाल। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।